हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए किसके नाम पर वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार उन पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा जिन्होंने राहत और बचाव कार्यों में सराहनीय काम किया है, और ये पुरस्कार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है मुंबई ने। मुंबई ने तीसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, और मुंबई ने दिल्ली को 4 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, और यह फाइनल मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया, और इसमें मुंबई जीता है विजय हजारे ट्रॉफी दिल्ली को हराकर। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी जो हाल ही में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुए हैं, उसमें भारत ने टोटल 13 पदक जीते हैं, और जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं और 9 सिल्वर मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो भारत ने टोटल 13 मेडल्स जीते हैं, और ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था पांडी। तो शुभंकर भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। पांडी था शुभंकर। और युवा ओलंपिक खेल 2018 में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी मनु भाकर। मनु भाकर एक निशानेबाज हैं, और इन्होंने युवा ओलंपिक खेल में, जो इस बार युवा ओलंपिक खेल 2018 हुए, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। तो उद्घाटन समारोह में मनु भाकर थी भारत की तरफ से ध्वजवाहक, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे जेरेमी लाल रिनुंगा। जेरेमी लाल रिनुंगा थे समापन समारोह में ध्वजवाहक। जेरेमी लाल रिनुंगा ये एक वेट लिफ्टर हैं, और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक खेल 2018 में। युवा ओलंपिक खेल 2018 में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, और ये युवा ओलंपिक खेल 2018 ये तीसरा संस्करण था। इसका चौथा संस्करण कहाँ पर होगा? तो इसका चौथा संस्करण होगा सेनेगल में। सेनेगल में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल होगा 2022 में। सेनेगल की राजधानी है डाकार, और सेनेगल एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश मातृ नवजात और बाल स्वास्थ्य मंच का आयोजन करेगा? तो मातृ नवजात और बाल स्वास्थ्य मंच का आयोजन करेगा भारत, और इसका आयोजन दिसंबर 2018 में होगा। माता और शिशु स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, तूफान बिला किस देश में आया था? तो तूफान बिला अभी हाल ही में आया था मैक्सिको में। यह काफी खतरनाक तूफान था। इसमें हवाओं की अधिकतम रफ्तार थी 209 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी जापान में हाल ही में आया था, पिछले महीने ही आया था सितंबर में, जेबी नाम का तूफान, और चीन में आया था मांगखुट आया था चीन में। वैसे तो मेनली मांगखुट आया था फिलीपींस में, लेकिन चीन को भी इसने हिट किया था। और ये विला नामक तूफान मेक्सिको में आया है, तो मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, मेक्सिको की करेंसी है पेसो, और मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं इनरिक पेना नीटो। इनरिक
पीना नीटो मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में पेटीएम ने पेपे नामक भुगतान सेवा शुरू की है? तो पेटीएम ने पेपे नामक भुगतान सेवा शुरू की है जापान में। ये पेपे नामक भुगतान सेवा उसी तरह काम करेगी जिस तरह से पेटीएम भारत में काम करता है, यानी कि यूजर्स इस सेवा के माध्यम से अपने बैंक से पेपे वॉलेट में पैसे रख सकते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट से जापान के लोग अपने पेपे वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं और उसके बाद भुगतान कर सकते हैं। तो पेटीएम ने पेपे नामक भुगतान सेवा शुरू की है जापान में। और यहाँ पर बात हुई है पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और इसकी स्थापना की थी विजय शेखर शर्मा ने, और वर्तमान में विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ भी हैं और ये शुरू किया गया है जापान में। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओसामु सीमो मूरा का निधन हो गया, उन्हें किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हाल ही में ओसामु सीमो मूरा का निधन हो गया, इन्हें मिला था रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं ओसामु सीमो मूरा, और ये जापान के थे। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 2008 में इन्हें अमेरिका के दो वैज्ञानिकों के साथ रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें जेलीफिश प्रोटीन की खोज और विकास के लिए अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों के साथ साझा रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था 2008 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 36वें कालीन एक्सपो का उद्घाटन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें कालीन एक्सपो का उद्घाटन किया वाराणसी में। कालीन एक्सपो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जिसमें हाथ से बनी कालीन गलीचे और फर्श की अन्य कवरिंग की बिक्री की जाती है। अगला प्रश्न है, 27वें संलयन ऊर्जा सम्मेलन यानी कि एफ ई सी का फुल फॉर्म होता है फ्यूज़न एनर्जी कॉन्फ्रेंस, यानी कि संलयन ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 27वें संलयन ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह 6 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी पर चर्चा करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो 27वें संलयन ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। तो हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा डांडिया और भवई। गुजरात के प्रमुख बांध हैं शारदा सरोवर बांध और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है, और दांतीवाड़ा बांध जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात में प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में स्थित है, और गुजरात के राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य तो यहाँ पर है गिर राष्ट्रीय पार्क और ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गुजरात में स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात के प्रमुख मंदिर हैं सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 2018 शक्ति भट्ट प्रथम पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो शक्ति भट्ट प्रथम पुस्तक पुरस्कार 2018 जीता है सुजाता गिदला ने। यह जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं सुजाता गिदला, और इन्होंने अपनी पुस्तक एंट्स एमंग एलिफेंट्स एन अनटचेबल फैमिली एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए यह पुरस्कार जीता है। इनकी पुस्तक है एंट्स एमंग एलिफेंट्स एन अन
एन अनटचेबल फैमिली एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसके लिए इन्होंने शक्ति भट्ट प्रथम पुस्तक पुरस्कार 2018 जीता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्र न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्र न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है वित्त मंत्रालय ने। बेनामी लेन देन, यानी कि किसी फर्जी नाम से किए गए लेन देन, तो बेनामी लेन देन जैसे अपराधों की जांच के लिए इस सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, डेनमार्क ओपन 2018 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो डेनमार्क ओपन 2018 में बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता है वो हैं साइना नेहवाल। ये फाइनल में चीन की ताई सू यिंग से हार गई और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल मैच में ये चीन की ताई सू यिंग से हार गई और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अगला प्रश्न, भारत की पहली लग्जरी क्रूज जहाज सेवा मुंबई और किस शहर के बीच शुरू की गई है? तो भारत की पहली लग्जरी क्रूज जहाज सेवा शुरू की गई है मुंबई और गोवा के बीच, और इस क्रूज का नाम है, क्रूज का नाम भी आप याद रखिए, इस क्रूज का नाम है अंग्रिया, अंग्रिया, अंग्रिया इस क्रूज का नाम है, और इस क्रूज पर 70 चालक दल के सदस्यों के साथ 400 लोग यात्रा कर सकते हैं। तो ये शुरू की गई है मुंबई और गोवा के बीच। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर और गोवा के राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा। और कल का प्रश्नकाल मैंने प्रश्न पूछा था, उपन्यास मिल्कमैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, एना बर्न्स ने, और लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। और आज का प्रश्न, भारत पहला सुरंग रेलवे स्टेशन किस राज्य में, भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनाया जाएगा? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।